मैं बात कर रहा था कि एनवायरमेंटल साइंसेस, तो जो एनवायरमेंटल साइंस और की बात है और जेंडर की बात है, तो इस दफा उसने जो है वो जेंडर स्टडीज को इतना ज्यादा हिट नहीं किया. जेंडर स्टडीज में उसको हमें नजर आता है कि जेंडर स्टडीज ने अच्छे मार्क्स दिए 2020 की तरह, लेकिन एनवायरमेंटल साइंस जो था उसको थोड़ा सा वो क्रिटिकल रहा उसके बारे में. अब अगली चीज आ जाती है हिस्ट्री के पोर्शन के ऊपर. जो हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं, इंडो पाक हिस्ट्री होगी, ब्रिटिश हिस्ट्री होगी, यूरोपियन हिस्ट्री होगी, अमेरिकन हिस्ट्री होगी, तो इसमें से पहले पिछले साल में नजर आया कि यूरोपियन हिस्ट्री या ब्रिटिश हिस्ट्री को बहुत ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन इस दफा अमेरिकन हिस्ट्री भी अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड रहा उसका. तो जो बच्चे जो कंसर्निंग थे कि यूएस हिस्ट्री रखी जाए या ना रखी जाए, तो देखें अब यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ के आपको बहुत ज्यादा नॉलेज आता है, बहुत ज्यादा. लेकिन वो ये है कि इतने ज्यादा इवेंट्स हैं, यूएस हिस्ट्री छोटा सा सब्जेक्ट है एज कम्पेयर टू यूरोपियन हिस्ट्री, और यूरोपियन हिस्ट्री नो डाउट बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, लेकिन इस साल जो है अमेरिकन हिस्ट्री भी स्कोरिंग का. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपका जो सॉरी जो जीपीपी की बात की जाए, तो जीपीपी जो है वो इतना ज्यादा स्कोरिंग नहीं रहा, हालांकि बहुत ज्यादा उसका मुश्किल पेपर था, तो पीनलाइज नहीं हुआ. गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी की बात की जाए, पब्लिक एड की बात की जाए, तो ये एक टिपिकल से जो सब्जेक्ट्स हैं ये इतने ज्यादा इनका ठीक रहा स्कोरिंग पे. अब बात की जाए एंड पे सोशियोलॉजी और पंजाबी के और सिंधी जो लिंग्विस्टिक्स का जो एक हमारा ग्रुप आता है, तो पंजाबी का मिक्स ट्रेंड आपको देखने में नजर आएगा कि कुछ लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स हैं और कुछ लोगों के जो है वो एवरेज मार्क्स हैं. तो पंजाबी में भी अब जो है वो थोड़ा सा जो पढ़ के जाएगा उसी को मार्क्स मिलेंगे, बगैर पढ़े जो है वो जिनका तुक्का लग जाता था वो वाली चीज़ नहीं है. तो ये हमने थोड़ा सा एक हमने एनालिसिस किया है आज के CSS 2021 का रिजल्ट कैसा रहा. ओवरऑल जो है वो कंपल्सरी हिट हुए थे, क्योंकि लोगों की जो अटेंशन होती है, लोगों का जो फोकस होता है वो ज़्यादातर ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ होता है, तो इसलिए इस दफा जो हमें ट्रेंड नजर आता है कि कंपल्सरीज के ऊपर वो ज्यादा क्रिटिकल था एग्जामिनर, और कंपल्सरीज को टारगेट किया उसने, जबकि ऑप्शनल इतने ज्यादा जो है वो टारगेट नहीं किए गए. और अगली चीज आती है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में हमें पॉलिटिकल साइंस और आयर में नजर आता है कि पॉलिटिकल साइंस को लोगों ने ज्यादा ऑप्ट करना शुरू कर दिया था, तो उसने आज इस दफा पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा सा टारगेट किया है, आयर को इतना नहीं किया जितना वो पहले करता था. और अमेरिकन हिस्ट्री को छोड़ के दूसरी हिस्ट्रीज रख रहे थे, तो अमेरिकन हिस्ट्री का जो इस दफा हमें जो स्कोरिंग ट्रेंड नजर आता है वो अच्छा नजर आता है, पंजाबी का मिक्स नजर आता है. तो ये सारी चीजें हैं कि आपको बड़ा क्लियर होके, बड़ा फोकस्ड होके आपने जो है अपने डिसीजन लेने हैं कि आपने कौन कौन से 2022 के अटेम्प्ट के लिए जो है आपने सब्जेक्ट रखने हैं, जिसका जो हम काउंसलिंग सेशन भी रखते हैं CSS एग्जामिनर के ऊपर, जो फ्रेशर्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, कि उनको पता नहीं होता कि उन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स रखने, तो उसका एक काउंसलिंग सेशन हम रखवाते हैं, ताकि बच्चे जो हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, उनको अपने जो है वो जो जो सब्जेक्ट उन्होंने रखना है उसके लिए वो क्लियर हो पाए, और फिर उसके साथ ही वो पूरी मेहनत करें. और यहाँ पे मैं आखिर में यही बात कहना चाहूँगा कि आपके जो कंपल्सरीज हैं जिसके ऊपर आप फोकस नहीं ज़्यादा अपना नहीं रखते, उसको आप जो है वो अब किए बगैर गुजारा नहीं है. ये 2021 के रिजल्ट ने आपको बता दिए. करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, आप इतना ज़्यादा उसके ऊपर बच्चे जो हैं वो उसको इतना बॉदर नहीं करते, तो इस दफ़ा उसने बॉदर करवा दिया बच्चों को. 90% मार्क्स जो 90% स्टूडेंट्स है वो करंट अफेयर्स में देफ नॉट, ठीक है. तो इस वजह से आप करंट अफेयर्स को इसी ना लें. करंट अफेयर्स के ऊपर सरसरी चीज़ें देखें, सरसरी इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास होती है, वो छाबड़ी वाले के पास भी होगी, वो रेड़ी बांध के पास भी होगी, वो मजदूर के पास भी होगी, लेकिन आप में और उनमें फ़र्क क्या है? फर्क यह है कि आपको उसका मुकम्मल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आपकी करंट हैपनिंग्स, फ्यूचर जो पॉसिबिलिटीज हैं, उसको आप एक एकेडमिक तरीके से आप जो है वो बात करने के काबिल हो, तब जो है आप एक CSS एस्पायरेंट कहलाएंगे. तो ये तो था आज का हमारा जो ऑनलाइन सेशन. अब मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा. कोई क्वेश्चन है जी? अच्छा, DMC डाउनलोड नहीं हो रही. आप FPSC की वेबसाइट पे जाके, अब वो शायद साइट जो है, वेबसाइट जो है वो थोड़ा सा उसका लिंक और सर्वर जो है वो डाउन हो, वरना तो हो जानी चाहिए आपकी. नहीं हो रही तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें ऐसी कौन सी बात. और कोई क्वेश्चन? और किसी के कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ ले. और मेरे ख्याल से किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है.
तो चले ठीक है, हमारे अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो शेयर आपके साथ नंबर हो जाएगा हमारा ऑफिशियल नंबर, वो आप उस पर कॉन्टेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मैसेज यही है कि अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको बड़े क्लियर होके, बड़े फोकस्ड होके और सोच समझ के रखें और कंपल्सरी इसको ना भूलें। बहुत शुक्रिया।